देखिए 12 थीम्स पे मुश्तमिल आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, लेकिन वीडियोस इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं जिस दौर में हम चीजों को देखना और सुनना पढ़ने से ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अजीजान मन, इसके बावजूद पढ़ने की अपनी एक अहमियत है, पढ़ने की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। इसीलिए आप जो भी कोर्स या जो भी मजमून या जो भी चीज जानना चाहते हैं तो उसमें देखने और सुनने के अलावा आपको पढ़ने के लिए भी मवाद और मटेरियल दिया जाता है। हमारा ये जो कोर्स है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, इसके अंदर भी कोई शक नहीं है कि आपको एक मुनासिब मकदार में रीडिंग मटेरियल दिया जाएगा। यहां इस वक्त सिर्फ मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। एक ये आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कोर रीडिंग्स कौन सी होंगी इस कोर्स के अंदर। तो मेरे रिकमेंडेशन के अतबार से, वैसे तो मैं जाती तौर पे भी पढ़ना बहुत पसंद करता हूं और मैं ये चाहूंगा कि मेरे अजीज जो इस कोर्स में मेरे साथ हैं वो भी पढ़ने के लिए शौक पैदा करें और पढ़ाई को अपने जौक और अपने शौक के अंदर शामिल कर लें, खासतौर पे किताबों की पढ़ाई को और किताबों को पढ़ने को। उसकी वजह यह है कि हम बहुत सारी चीजें जो सीखते हैं वो किताबों के जरिए सीखते हैं, और किताब की एक और बड़ी अहमियत का सबूत यह है कि इस कायनात के बनाने वाले परवरदिगार ने भी लोगों को जब हदायत दी है तो उनको किताबों के जरिए से हदायत दी है, और इस परवरदिगार की हदायत उसकी आखिरी किताब कुरान हकीम पर आके खत्म हो जाती है। तो आप सब लोगों को इस मिसाल से, इस बात से तो ये बिल्कुल रियलाइज हो जाना चाहिए कि किताबें कितनी जरूरी होती हैं और उनकी क्या अहमियत होती है। तो अजीजान मन, आपके इस कोर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग यानी MJT 301 में जो आपकी टेक्स्ट बुक है रिकमेंडेड, उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, और उसको लिखने वाले हैं फिलिप कॉटलर और कैरी आर्मस्ट्रांग। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है ये शोहरा आफाक किताब है, और वो तमाम लोग जो मार्केटिंग की दुनिया में अपने सफर का आगाज करते हैं, खास तौर पे हमारे खित्ते में, उनको आम तौर पे रिकमेंड किया जाता है कि वो इस बुक से, इस किताब से इस्तफादा करें, इस किताब से मुस्तफीद भी हों और उससे मुस्तफीज भी हों, यानी इससे बेनिफिट हासिल करें। ये किताब जो है ये आम तौर पे पाकिस्तान की मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसको पब्लिश करने वाले पियर्सन वाले हैं, और पियर्सन कंपनी है जो कि किताबें पब्लिश करती है। इस किताब का जो भी लेटेस्ट एडिशन आपको मार्केट में मिले वो आप ले लें और अपनी इन वीडियोस के साथ उसको सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करें। मैं अब से कुछ देर बाद जब आपसे मुखातिब हूंगा ऑन हाउ टू स्टडी, तो वहां फिर मैं इसको पढ़ने के बारे में दोबारा आपको जोर दूंगा इस बात पर। लेकिन ये आपकी किताब है, और इसके साथ जो मैं चाहूंगा कि जब तक आप मेरे साथ इस सफर में शरीक रहें, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के सफर में, तो ये किताब आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और ये किताब सिर्फ आपको अभी ही फायदा नहीं देगी बल्कि आने वाली जिंदगी में भी आप बहुत से मुकामात पर इस किताब से फायदा हासिल कर सकेंगे। इसके साथ मैं चाहूंगा कि आप एक मैगजीन जिसका नाम अरोरा है और इसको डॉन ग्रुप पब्लिश करता है, पाकिस्तान में डॉन अखबार बनाने वाला जो ग्रुप है उनका ये एक मैगजीन है, और पाकिस्तान में मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के हवाले से जो प्रीमियर कंटेंट है उसको ये मैगजीन पब्लिश करता है। मैं खुद पिछले कई सालों से इसका रेगुलर रीडर हूं, और मैंने बहुत सारी जो पाकिस्तान के हवाले से मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस हैं उनको इसी मैगजीन के जरिए जाना है, और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इस मैगजीन को जरूर सब्सक्राइब करें। यह बहुत खूबसूरत मैगजीन है, खूबसूरत इस लिहाज से कि इसमें बहुत सारे नए आइडियाज आप तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप इसको खरीदना या सब्सक्राइब उस तरह से नहीं करना चाहते इसकी प्रिंटेड कॉपी को, तो आप इसकी जो वेबसाइट है www.aurora.dawn.com इसको रेगुलरली विजिट करें, और इसमें मौजूद मजामीन जो हैं मार्केटिंग से मुतल्लिक उनको जरूर पढ़ें। इसके अलावा वो तमाम मैगजीन और किताबें जिनको आप पढ़ना पसंद करें या जिनको आप मोहब्बत से पढ़ना चाहें आपको जरूर पढ़नी चाहिए।
बहुत से ज्यादा बहुत ज्यादा किताबें पढ़ें, बहुत सारा मैगजीन देखें, ताकि आपकी मालूमात में दुनिया के बारे में इजाफा हो। मुझे उम्मीद है कि आपको रिकमेंडेड रीडिंग्स का के बारे में क्लियर हो गया होगा कि आपकी किताब कौन सी होगी और आपकी जो मैगजीन है, जो आपकी टेक्स्ट रीडिंग्स हैं, स्टैंडर्ड रीडिंग्स हैं इस कोर्स में, वो कौन सी होंगी। थैंक यू वेरी मच।